नारे तकबीर पाकिस्तान का नाम दो यार यार नंबर 804 तेरा यार मेरा यार नंबर 804 ना वो बागी दाखतार नंबर 804 इमरान तेरे चार साल इमरान से लिया पंगा जिसे हुआ नंगा इमरान से लिया पंगा पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना विचार मेरे साथ न्यूयॉर्क से जो फतवे ने भरपूर दिन रात काम किया है मुझे सदी साहब मोदी से मुझे सदी साहब आज बताइए जरा पाकिस्तान। अब मैं लड़के का मवान साहब जोड़ने के लिए आगे आइए, ये बात कीजिए आगे एक मिनट। ये अपने चेहरा एक इशारा वो फिर भी जीत के आ गए, फिर भी वो जीते यार खुदा के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए। देखो ये पास और जो उन्होंने तशद्दुद पाकिस्तान में किया हुआ है उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते हैं। अमेरिका के एम्बेसडर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका आए हुए हैं, उनको भी पैगाम देते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट को भी पैगाम देते हैं, एंथनी ब्लिंकन को पैगाम देते हैं और प्रेसिडेंट बाइडेन को। जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नसीबों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक मिनट की आप आगे रखते लगाएंगे पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान।
चार दिन पहले मैंने इमरान खान को पैगाम भेजा, क्योंकि यहाँ कभी आपको पता है जबरान अलियास के ऊपर डाल रहे हैं कि ट्वीट उसने किया, कभी वहां पर लोगों को बुला रहे हैं हमूद रहमान पे, कभी इमरान खान के ऊपर कर रहे हैं नया केस। तो मैंने खान साहब को पैगाम भेजा कि मेरे ऊपर तो पहले ही दर्जनों केस है गद्दारी और बगावत एक और सही, तो मैं ये ट्वीट अपने नाम ले लेता हूँ, आपका तर्जुमान रहा हूँ। तो खान साहब ने कहा कि अभी उसका मौका नहीं है, मैं टल्ला ही काफी है, मैं अच्छी सांभ लागा। बात हुई, वो पहले अटियाला जेल में काम करता था, बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया, थोड़े दिनों खान साहब के साथ भी काम किया, बेचारे को 10-15 दिन मिले खान साहब की मौजूदगी में या 30 दिन काम करने के। उसने मुझे ये कसम खा के बताया, कांस्टेबल रैंक का बंदा था, उसने कहा सर बड़े बड़े दिलेर आए हैं जेल में, सूरमा एक ही आया जिसका नाम इमरान खान है। हिस्ट्री उन्हीं को याद रखती है जो गैरतमंद कौमें होती हैं, गैरतमंद कौमों की जो गैरत के अमीर होते हैं उनके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हाँ उनकी आवाज भी होती है, लेकिन अगर सियासत से बाहर रहे तो इमरान खान ने बड़ा वाज़े अंदाज में कहा है कि फौज के मुखालिफ ये लोग नहीं है, ये तमाम लोग फौज से मोहब्बत करते हैं, ये अपनी फौज पर तनकीद नहीं करना चाहते। ये जबरान अलियास से इसी फौज ने बेहतरीन अवार्ड दिया था 5th जनरेशन वॉर लड़ने का, हमने प्रोफेसर होते हुए अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अपनी फौज का मुकदमा लड़ते थे। ये आपको बरकी साहब, अमजद नवाज, ये सारे फौज मुखालिफ लगते हैं, ये फौज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। फौज का सबसे बड़ा मुखालिफ याया खान था जिसने अपना आईन तोड़ा। इमरान खान ने अभी बताया कि जब फौज का सरबराह सियासत में दखल अंदाजी देता है तो फौज को कमजोर करता है, लोगों को फौज पे तनकीद के लिए मटेरियल देता है, इनवाइट करता है। आज वही गुनाह वही गलती जनरल बाजवा ने की, उसके बाद हमें उम्मीद थी कि जनरल आसिम मुनीर उनका गंध नहीं उठाएंगे, हमें उम्मीद थी कि उस गलती को करेक्ट किया जाएगा, हमें उम्मीद थी कि बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन की लालच में जो कर गए, जनरल आसिम मुनीर आकर कहेंगे कि मैं ये वजन नहीं उठा सकता, मैंने आईन और कानून पे चलना है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि जनरल आसिम मुनीर साहब भी बाजवा साहब के कदमों पर चले और उन्होंने भी गैर आईनी काम किया, उन्होंने भी सियासत में। यह है कि इमरान खान एनआरओ नहीं मांग रहा, मसला सिर्फ एक है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को आदत पड़ी हुई है पॉलिटिकल लीडर्स को गंदा करने की, इनकम्पिटेंट करप्ट और मुल्क दुश्मन साबित करने की पूरी कोशिश है कि इमरान खान के ऊपर भी दाग लगाया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, आपने ये मुहावरे तो सुन रखे हैं, हम जो सियासतदान होते हैं ना ज्यादातर ये फनकार होते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं इसीलिए सियासतदान होते हैं, ज्यादातर आप सियासतदानों से पढ़ के सुनते होंगे, बुरा वक्त आया होगा आपको नजर ही नहीं आए होंगे किधर गए हैं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को लगा था इमरान खान भी सियासतदान है, फिर जब वहां पड़ा तो पता लगा कि वो सियासतदान नहीं, वो पठान है। अब कभी इंक्वायरी हुई है जिसमें जवाब दिए हैं कि क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ये इमरान खान ने कहा है कि क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ तो कभी SIFC बनाता है, कभी ये सारे बच्चों को गंदे बच्चों को गोद लिया हुआ है, ये गंदे वाले बच्चे सारे, भला कोई ऐसे गंदे बच्चों को भी गोद ले, आप अकेले भी रह जाएं, ये सब लोग ना हो, आप अकेले भी रह जाएं तो आप इमरान खान के लिए निकलेंगे जब तक होंगे। आपको मेरे से बेशुमार बेशुमार, आपको मेरे से वादा करना पड़ेगा बेशुमार, आपको मेरे से वादा करना पड़ेगा, अगर इन्होंने खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खास
अगर इन्होंने इमरान खान की जान ली तो बुशरा बीबी की इज्जत की चादर आप सब बनेंगे, सब खड़े होंगे इमरान खान के नजरिए के लिए, आप इमरान खान के नजरिए को पूरा करेंगे। ये इमरान खान को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा शख्स इमरान खान करेगा। इसलिए याद रखिए, एक बात याद रखिए, ये लंबा सफर नंबर 800 मैं वो बागी दागत।